आज के वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OB26 अपडेट के बारे में। जैसे आप लोग पता होगा, OB26 अपडेट की वजह से हमारा गेम अभी बंद हो चुका है एंड लॉक हो चुका है, एंड हम अभी गेम नहीं खोल सकते हैं। सो आप लोग पहले से फ्री फायर खेल रहे हो, आप लोगों को पता है माइनर अपडेट होता है जिसमें हमारे गेम को इंप्रूव करने के लिए हर 2 महीने में OB अपडेट लाया जाता है। लेकिन अगर आप लोग एक न्यू प्लेयर हो, सो अगर आप लोग सोच रहे होंगे हमारी आईडी बैन हो गई या फिर हमारी आईडी लॉक हो गई, सो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आईडी कुछ समय बाद अपने आप ओपन हो जाएंगे एंड एक नए अपडेट के साथ ओपन होगी। सर बात करेंगे हम OB26 अपडेट के बारे में एंड उसके साथ कुछ माइनर अपडेट्स के बारे में, जो कि जो भी मेन अपडेट आने वाला है OB26 अपडेट में उसके बारे में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। और गाइस जिस दौरान अपडेट चल रहा है उस दौरान आप कोई भी लिंक पे क्लिक मत करना, कोई भी चीज मत करना, जिसके वजह से आप लोग सोचोगे कि हम ये लिंक पे क्लिक करेंगे, ये चीज करेंगे, तो हमारी आईडी अब जल्द से जल्द ओपन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी आईडी 5:30 बजे के बाद ही ओपन होने वाली है। और सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपडेट कितने टाइम तक चलेगा एंड कितने टाइम लैप में हमारा गेम मेंटेनेंस में रहेगा। सो बहुत बंदों को अभी तक कंफ्यूजन रहता है कि हमारा गेम कितने देर तक मेंटेनेंस में रहेगा। सो मैं आप लोगों को बता दूं, गरेना ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारा गेम मेंटेनेंस में रहेगा। सर ये थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, हर बार इतना टाइम नहीं लगाता है फ्री फायर, लेकिन इस बार थोड़ा 6 बजे तक कर दिया। नॉर्मली 5 बजे तक रखता है, लेकिन अभी इस बार 6 बजे तक कर दिया गया मेंटेनेंस को। एंड हर बार का जो अपडेट होता है वो 8:00 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया एंड थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया अपडेट को। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 9:30 बजे से लेकर आप लोग 6 बजे तक यहाँ पर गेम नहीं खेल सकते एंड 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर मेंटेनेंस रहने वाला है हमारे फ्री फायर में। सो इस बात करते हैं OB26 अपडेट में आने वाले कुछ बड़े बड़े अपडेट की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले नए पेट के बारे में। सुबह हमारा जो नया फ्री फायर पेट होने वाला है वो ड्रैकी नाम का होने वाला है, एक ड्रैगन होने वाला है, स्मॉल ड्रैगन होने वाला है। एंड गाइस अगर आपको ये ड्रैकी की पेट एबिलिटी नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये ड्रैकी ऐसा काम करेगा कि 10 मीटर के रेंज में अगर कोई भी ऐसा एक एनिमी है जो कि मेडिकेट यूज कर रहा है, सो गाइस उसकी लोकेशन ये पेट हमको बता देगा। सर क्लैश स्क्वाड में एंड उसके साथ साथ लास्ट जोन में हमको ये जो पेट है बहुत ज्यादा काम आने वाला है एंड अगर आप लोग उसके बराबर स्ट्रेटेजी यूज करेंगे सो ये पेट आपका बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। एंड गाइस बात करें हमारे फ्री फायर में आने वाले न्यू गन के बारे में। सो हमारे फ्री फायर की न्यू गन आने वाली है MAG-7 एंड गाइस ये एक शॉटगन होने वाली है जो कि गाइस स्पास M10 एंड M107 का तीनों का मिक्सचर करके एक नई गन आने वाली है जो कि MAG-7 एंड गाइस ये बहुत ज्यादा अच्छी चलती है। इसकी मैगजीन देखी जाए तो ये M10 जैसी है एंड उसके साथ साथ इसकी रेंज एंड रेट ऑफ फायर देखा जाए तो M107 जैसा है। सो आप लोगों को M107 एंड उसके साथ साथ M10 का दोनों का मजा आने वाला है इस गन में। सो आप लोग ये गन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। सो गाइस बात करें हमारे फ्री फायर में आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में। सो गाइस हमारा जो नया कैरेक्टर होने वाला है उसका नाम होने वाला है शीरो एंड गाइस इस कैरेक्टर स्किल ऐसी होने वाली है कि जब भी हमको 50 मीटर की रेंज से अगर कोई एनिमी हमको फायर करेगा, सो गाइस उस एनिमी के ऊपर एक डॉट आ जाएगा जिससे हमको पता चलेगा कि वो एनिमी हमारे ऊपर कहां से फायर कर रहा है एंड 50 मीटर की रेंज से कोई भी एनिमी कैसा भी फायर कर रहा है, साइलेंसर यूज कर रहा है, उस एनिमी के ऊपर एक मार्क आ जाएगा एंड 3 सेकंड तक वो मार्क रहेगा ताकि हमको पता चल जाए कि एनिमी हमको कहां से फायर कर रहा है। और इस कैरेक्टर की जो सेकंड एबिलिटी होने वाली है वो ऐसी होने वाली है, जब भी 50 मीटर के रेंज में हम कोई भी एनिमी को फायर करेंगे तो हमारे गन से जो भी बुलेट निकलेंगी उसकी जो फर्स्ट गोली होंगी वो एनिमी को 10% ज्यादा वेस्ट डैमेज करेगी। तो ये कैरेक्टर को पसंद आया नहीं आया मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। सुबह बात करें हमारे नेक्स्ट बिग अपडेट के बारे में। सुबह हमारे नेक्स्ट बिग अपडेट आती है ट्रेनिंग ग्राउंड से लेकर। सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड को एकदम चेंज कर दिया गया है एंड बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया गया ट्रेनिंग ग्राउंड को। सो ट्रेनिंग ग्राउंड के एक जगह एक बहुत बड़ा मेला लगाया गया है एंड जिसमें हमको बहुत ज्यादा झूले देखने को मिलेंगे। सो आप लोगों को पता होगा झूले कौन से एंड बहुत ज्यादा अच्छा एकदम फेस्टिवल टाइप का कर दिया गया हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड को एंड उसके साथ साथ एक रियल रेसिंग ट्रैक भी हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐड किया गया है जिसमें आप लोग अपने फ्री फायर फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा रेसिंग कर सकते हो गाड़ियों से एंड बहुत ज्यादा आप मजे कर सकते हो। और इसके अलावा भी काफी सारे चेंजेस करे गए ट्रेनिंग ग्राउंड में। सो अगर आप लोग पर्सनली ट्रेनिंग ग्राउंड खेलोगे तो आप लोगों को बाकी सारे अपडेट पता चल जाएंगे। सो जब नेक्स्ट बिग अपडेट आती है वेपन बैलेंसिंग के ऊपर, इसमें वेपन का थोड़ी छेड़छाड़ करी गई है एंड रोजा M40 UMP एंड M249 का थोड़ा बढ़ा दिया गया है, थोड़ी स्पेशल एबिलिटीज बढ़ा दी गई है एंड उसके साथ साथ SVD पराफेल वेक्टर M87 एंड वुड पैकर की कम कर दी गई है। और गाइस जो वेपन ज्यादा ओवर पावर्ड हो गई थी जैसे कि गाइस ड्रैगनो पराफेल वेक्टर वुड पैकर M87 जो कि बंदे बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे एंड ये गन्स बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गई थी, सो गाइस इसमें कुछ कुछ चीजें कम करके इसको एकदम बैलेंसिंग कर दिया गया है गेम को। और कुछ ऐसी गन्स थी जिसको ठीक करने की जरूरत थी, उसकी थोड़ी एबिलिटीज बढ़ाने की जरूरत थी, सो ऐसी वेपन्स की एबिलिटीज बढ़ा दी गई है जैसे ग्रोजा की थोड़ी बढ़ा दी गई है, M10 की बढ़ा दी गई है, M249 एंड UMP की थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी गई है। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि कौन से गन में क्या क्या कम किया गया। जैसे गाइस M87 जो हमारी छोटी शॉर्ट गन है उसमें रेंज माइनस कर दी गई है, वुड पैकर का रेट ऑफ फायर माइनस कर दिया गया है और हमारी जो वेक्टर गन है उसका रेंज एक्यूरेसी एंड डैमेज सब कम कर दिया गया है और ड्रैगनों का बॉडी डैमेज कम कर दिया गया है एंड फायर रेट कम कर दिया गया है एंड पराफेल गन का रिकॉइल कम कर दिया गया है एंड रेंज भी कम कर दी गई है और M10 का डैमेज और रेट ऑफ फायर बढ़ाया गया है, ग्रोजा का डैमेज रिकॉइल और रेट ऑफ फायर बढ़ाया गया है, UMP का आर्मर पेनिट्रेशन और मिनिमम डैमेज बढ़ाया गया है, M249 का मूवमेंट स्पीड फायरिंग एंड मिनिमम रेंज बढ़ाई गई है। सो आप लोग ये वेपन बैलेंसिंग से सेटिस्फाइड हो या नहीं मुझे कमेंट से कमेंट करके जरूर जरूर बताना एंड आप ये बात मानो या ना मानो M187 का हर अपडेट में हर एक चीज कम करते जा रहे हैं फ्री फायर वाले, बट फिर भी वो गन फिर भी ओवर पावर रहती है एंड इसके
अलावा काफी सारी चीजें आने वाली है, ट्रेनिंग ग्राउंड में काफी सारे अपडेट्स होने वाले हैं, नए इमोट्स आने वाले हैं, नए बैकपैक्स आने वाले हैं, बहुत सारी नई चीजें आने वाली है, नई लॉबी, नई लोडिंग स्क्रीन, हर एक चीज नई आने वाली है। एंड क्रोनो क्राइटर की एबिलिटी थोड़ी सी चेंज करने वाले फ्री फायर वाले, एंड बहुत सारे बिग बिग अपडेट्स आने वाले जो कि आपको OB26 अपडेट का देखने को मिल जाएंगे गेम में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर से क्लिक कर देना। सो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में, तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। Mainstream flow like water, so I'm going mainstream.